कर्म लिया, देखा कि एक बालिका जिसने नीचे कोई वस्त्र धारण नहीं कर रखा है, अपनी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने तुरंत, जैसे भी आप देख रहे हैं वीडियो में, ऊपरी वस्त्र ही धारण कर रखा है, उसी प्रकार एक ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा था, मैंने तुरंत अपना वस्त्र निकालकर उस बालिका को दिया, जिससे उसने अपना शरीर ढका। फिर मैंने अपना वाहन रोक करके वहीं स्टॉप पर, स्पॉट पर खड़े होकर के तुरंत ही उस बालिका से पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पांव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी, बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी, मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन, आपकी हालत किसने करी है और कौन है, तुम्हारे माता पिता कहाँ है, तुम यहाँ किसके साथ आई हो, कब से इस क्षेत्र में हो। लेकिन वह बालिका अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बार बार वह कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। दो तीन बार मैंने पेन कापी भी उसके हाथ में दिया, यदि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या तुम बोल नहीं पा रही हो तो इसमें लिख करके कुछ बताओ, यदि अपने माता पिता का मोबाइल नंबर जानती हो तो। मेरे मोबाइल का मैंने कीपैड निकाल करके दिया कि इस पे लगा करके बात करो या आप पेन डायरी में लिख करके मुझे बताओ। लेकिन वह बालिका उस विषय में मेरी कोई मदद नहीं कर पाई। मैंने उससे पूछा कि बेटा भूख लग रही है, उसने कहा हाँ मुझे भूख लग रही है, ऐसे हाँ का उसने संबोधन किया। मैंने तुरंत अपने आश्रम में जो स्वल्पाहार में दलिया नमकीन बना था वो बुला करके उस बालिका को दिया खाने के लिए, चाय पिलाई, जल पिलाया, कुछ नकदी पैसे भी उसको मैंने सहयोग रूप में दिए। लेकिन मेरा विश्वास माना नहीं कि मैं इसको सुनी छोड़ दूं, इसलिए मैंने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल किया। दो बार मेरा वहां कॉल कट हुआ, तीसरी बार हमने महाकाल प्रशासन महोदय में कॉल किया, वहां से महाकाल थाने का नंबर मिला, महाकाल थाने में कंप्लेन दर्ज करवाई, वहां से उन्होंने पुनः मुझे 100 कॉल पर संपर्क बनाने के लिए कहा। 100 कॉल पर किया, वहां से पुलिस की गाड़ी करीब 20 मिनट की मेरे पास पहुंची। उस बालिका को मैंने पुलिस प्रशासन के हवाले सुपुर्द किया ताकि आज वह बालिका सुरक्षित है। जी देखिए, उसकी स्थिति देख करके क्या लगा था, जो है कि सभी को पता है कि वह बालिका पूर्णतः अत्याचारों के, दुष्टों के अत्याचारों में वह पूर्णतः से घिरी हुई थी। लगता है कि भगवान की कृपा से उसका शरीर बचा है, कहीं ना कहीं उसका कोई पुण्य आड़े आया, क्योंकि दुष्टों ने तो लगता है कि उसको मारने की भी साजिश रची होगी, जिस प्रकार से उसका चेहरा देखा जा रहा था कि बालिका कहीं से बहुत दूर से भग करके हमारे पास पहुंची है। तो उस विषय को हम लोग बता नहीं सकते अपनी आंखों, अपने मुंह से, कि उस बालिका के साथ में उन लोगों ने क्या अत्याचार किया था। बाकी इस विषय में चिकित्सा ने पूरा, जो है कि हॉस्पिटल ने पूरा इस विषय के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए सभी को बताया है कि उस बालिका के साथ किस प्रकार से जो है उसके साथ अत्याचार किया गया था। ऐसे दुष्टों को सजा मिलना चाहिए, धर्म की नगरी है, पावन नगरी है भगवान महाकाल की, यहाँ और पूरे देश में इस धरा धाम पर यह भगवान कृष्ण की नगरी है, यहाँ किसी प्रकार का भी जो है कि ऐसा गलत कार्य करने वालों के लिए हमेशा मृत्युदंड ही तय होना चाहिए। क्योंकि आज पुलिस प्रशासन का भय लगता है लोगों में नहीं है, उसी के कारण तो आए दिन हम ऐसे केसेस देख रहे हैं। कुछ 4 महीने पहले भी हम लोगों ने सुना था और देखा भी था कि 4 साल की बच्ची के साथ भी ऐसा ही जो है कि द्युत कार्य देखने में हम लोगों के आया था। तो प्रशासन महोदय भी इसके ऊपर ध्यान दे, और जिन लोगों ने भी उस बालिका की मदद नहीं करी, कहीं वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं, तो जो है कि जिन लोगों ने मदद नहीं करी उनको भी इस विषय के ऊपर ध्यान देना चाहिए और मदद करना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का, और आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। नौ 26 के समय मैंने उसको देखा था। इस आश्रम का नाम दंडी सेवा आश्रम है। मैं अपने आश्रम से बाहर कहीं जा रहा था इमरजेंसी, मेरी गेट से 20 फीट की दूरी पर उस बालिका को मैंने उज्जैन की ओर आते हुए देखा। जी बालिका बेहोश नहीं थी, बालिका बोल रही थी, बालिका चल रही थी, बालिका खा रही थी, बालिका बोल रही थी, बस ये कि उसकी भाषा में अपने को समझ में नहीं आ रहा था। हाँ बताया ना मैंने आपको, बताया ना पूरे उसके पाँव के पूरी ब्लीडिंग हो रही थी। अच्छा। जी आपने काम किया, आपके आश्रम में स्वामी जी ने कुछ विशेष, इस विषय के बारे में किसी को पता नहीं था। बाकी महाराज जी की दी हुई शिक्षा है, आज हम लोग आज इस कार्य से आज इस जन समाज की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी ने भी पूर्णतः अपना सहयोग देकर के उस बालिका को प्रशासन के हवाले करवाया, उन्होंने भी अपने स्तर से कॉल किए, और हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम लोगों को ऐसे समय में साथ देना चाहिए लोग। मेरा नाम आचार्य राहुल शर्मा, आचार्य राहुल शर्मा, स्थान दंडी सेवा आश्रम, गुरुकुल शिक्षण संस्थान, बन्नेगर रोड, उज्जैन। उज्जैन से 3 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम की ओर।